सारा माल वापस भेजो, चीन की दुकान बंद। आज की वीडियो का टाइटल गाइस, वेलकम बैक करते हैं जी सभी को अपने चैनल स्पाइसी रिएक्शन पर। मैं हूं सिजाद, मैं हूं अक्सा, मैं हूं हसन, मैं हूं अहमद। आज हसन का थैंक यू करना बनता है ना। मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा शुक्र है बोलना नहीं है, फिर मैंने रिलैक्स। ओके चलें जी, बाकी इंडिया विल बैन चाइना सर्वेलियंस प्रोडक्ट्स। ओके कैसे भाई, पहले वीडियो देख लेते हैं। बिल्कुल, तनाव लंबे समय से बना हुआ है, ऐसे में भारत ने अब बड़ा कदम उठा लिया है जिससे चीन की भारत में एंट्री बंद हो जाएगी और इससे भारतीय परिवेश में चीन का दबदबा कम होने वाला है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि इस समय दुनिया भर के देशों की नजर आतंकी देश इजराइल पर बनी हुई है, क्योंकि उसने दावा किया है कि उसके द्वारा किए गए हमले में हिजबुल्ला के चीफ नसरल्ला को मार दिया गया है। और जिस ऑपरेशन से इजराइल ने 3 देशों के मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को बड्डी बेरहमी से मारा है, अब 57 साल बाद इजराइल फिर उसे हथियार बनाने जा रहा है। और अब इजराइल ने फिलिस्तीन और लेबनान के बाद एक नए देश को अपना टारगेट बना लिया है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल साल 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच सीमा तनाव लगातार बना हुआ है। इस बीच चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने चीनी ऐप्स को बैन करने से लेकर चीनी कर्मचारियों के वीजा रोकने और चीनी कंपनियों के भारत में निवेश रोकने तक के कई बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन अब भारत ऐसा कुछ करने जा रहा है जो चीन के निगरानी के धंधे को भारत में बैन कर देगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार अपने एक आदेश को जल्द से जल्द अमल में लाने पर विचार कर रही है, जो भारत के सर्विलांस मार्केट से चीन की एंट्री को बंद कर देगा। इससे चीन की कंपनियों को जहां एक तरफ भारी नुकसान होगा, वहीं सर्विलांस प्रोडक्ट बनाने वाली भारतीय कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। दरअसल भारत सरकार जो आदेश जारी करने जा रही है वो भारतीय बाजार में चीन से बनकर आने वाले सीसीटीवी की एंट्री को तत्काल प्रभाव से बंद कर देगा और सर्विलांस प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन से चीनी वेंडर बाहर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ईटी की एक खबर के मुताबिक सरकार का आदेश देश में सीसीटीवी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उन कंपोनेंट की एंट्री को भी बैन करेगा जो चाइनीज वेंडर्स द्वारा सप्लाई किए जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने इस आदेश का गजट नोटिफिकेशन पहले ही निकाल दिया था, लेकिन अब उसका फोकस इसके तेजी से इंप्लीमेंटेशन से है। इस आदेश के पूरी तरह से लागू होने के बाद भारतीय सीसीटीवी कंपनियों को सिर्फ ट्रस्टेड लोकेशंस से ही कंपोनेंट इंपोर्ट करने की परमिशन होगी, जबकि इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट और कंपोनेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। और दोस्तों, भारत की तरफ से यह एक्शन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हाल ही में लेबनान में एक साथ हजारों लोकेशन पर पेजर विस्फोट हुआ था, और जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो शुरुआती जांच में सामने आया कि हिजबुल्लाह से अपनी अदावत के चलते इजराइल ने इन पेजर के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ही उनमें विस्फोटक छिपा दिए थे, जो कि पेजर को भेजे गए एक कोड से एक्टिवेट हो गए। और इसी घटना को देखते हुए ही भारत सरकार ने अपने लोकलाइजेशन के आदेश को तेजी से अमल में लाने पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार जिन ट्रस्टेड लोकेशन की बात कर रही है, वहां मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोसेस पर भारत सरकार की पहुंच होगी और वहां किसी भी तरह की बैकडोर एंट्री पर बैन रहेगा। वहीं भारत की प्रमुख कंपनी सीपी प्लस, हाइकाविजन और दहुआ को अपने प्रोडक्ट्स के लोकलाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए कहा गया है। और अभी इन तीनों कंपनियों के पास भारत के सर्विलांस मार्केट की करीब 60% हिस्सेदारी है। लेकिन दोस्तों, इस बीच मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष आने वाले दिनों में और भी भीषण हो सकता है, क्योंकि इजरायली सेना गाजा और लेबनान में जारी हमलों के बाद रुकने के मूड में नहीं है, बल्कि आशंका जताई जा रही है कि इजराइल एक बार फिर अपने दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन फोकस शुरू करने जा रहा है। पर सवाल ये है, आखिर ये ऑपरेशन फोकस क्या है और इससे कौन कौन से देश टारगेट होने जा रहे हैं?
दरअसल गाजा के बाद लेबनान में अटैक कर इसराइल ने दिखा दिया है कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला है, और यूएनजीए में इसराइली प्रधानमंत्री के तेवर से साफ हो चुका है कि इसराइल की ओर नजर उठाने वालों का अंजाम बेहद बुरा होगा, फिर चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। आशंका जताई जा रही है कि इसराइल एक बार फिर ऑपरेशन फोकस शुरू करने वाला है, जैसा कि उसने 1967 में मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ हुए 6 दिन के युद्ध के दौरान किया था। और अब ऑपरेशन फोकस रिटर्न्स का टारगेट सीरिया, इराक और यमन बनने वाले हैं। दरअसल पिछले दिनों इजरायली प्रधानमंत्री ने जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी स्पीच दी तो वहां उन्होंने 2 नक्शे दिखाए, एक को दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया तो दूसरे को अभिशाप। नेतन्याहू ने कहा कि पिछली बार मैंने एक नक्शा दिखाया था जिसमें इजरायल और उसके साथी अरब देश एशिया को यूरोप से जोड़ रहे थे, जिसे दुनिया के लिए आशीर्वाद बताया। वहीं दूसरे नक्शे को नेतन्याहू ने आतंक का नक्शा बताया। इजरायली प्रधानमंत्री ने दोनों नक्शों को दिखाकर कहा कि एक तरफ भविष्य की उम्मीद है तो दूसरी तरफ भविष्य का अंधकार। दरअसल इस दूसरे नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को काले रंगों में रंग कर अभिशाप बताया गया था। माना जा रहा है कि इजराइल सीधे तौर पर ईरान पर हमला नहीं करेगा, वह चाहता है कि ईरान खुद इस जंग में कूदे, इसीलिए वह हमास और हिजबुल्लाह के बाद इराक, सीरिया और यमन में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी गुटों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इजराइल और अरब देशों की अदावत दशकों पुरानी है। करीब 100 साल पहले फिलिस्तीनी सरजमीं पर ब्रिटेन का कब्जा था और ब्रिटिश हुकूमतों ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटकर यहूदियों के लिए स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र बनाने का वादा किया था, लेकिन अरब जगत के मुल्क इजराइल की स्थापना के खिलाफ थे। आखिरकार विवाद को सुलझाने में नाकाम रहने के बाद 1948 में ब्रिटिश शासक मिडिल ईस्ट के इस हिस्से से चले गए और इजरायली नेताओं ने 14 मई 1948 को स्वतंत्र इजराइल की घोषणा कर दी थी, और यहीं से एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत हुई जिसने आज तक मिडिल ईस्ट को अस्थिर बनाए रखा है। बताते चले कि इजराइल के गठन के अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया। यह पहला अरब इजराइल संघर्ष था जो करीब 1 साल तक चला था, जिसमें इजराइल की जीत हुई और जंग के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए आधी जमीन मुकर्रर कर दी, और यहीं से फिलिस्तीनियों के लिए त्रासदी का दौर शुरू हो गया। इस दौरान करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा क्योंकि यहूदी सेना ने उन्हें उनके घरों से बेदखल कर दिया था। बात करें इसराइल के ऑन ऑपरेशन फोकस की, तो साल 1967 में दूसरा अरब इसराइल संघर्ष हुआ जो 6 दिन तक चला था, और इस युद्ध को 6-डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर 5 जून से 10 जून तक इसराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के खिलाफ जंग लड़ते हुए कामयाबी हासिल की, और इन तीनों देशों के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई को ही ऑपरेशन फोकस कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि इसराइल द्वारा लेबनान पर हमले अभी भी किए जा रहे हैं और हाल ही में हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया गया है, तो लोगों के मन में सवाल है कि हिजबुल्लाह के बाद क्या इसराइल का अगला टारगेट ईरान है। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जैसे ही हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की खबर दुनिया में फैली, वैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। और हाल ही में इसराइल द्वारा सेंट्रल बेरूत में बमबारी की गई, जहां एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाकर हमला किया गया। तो देखा जाए, इसराइल के तेवर देखकर यही लग रहा है कि वो अब रुकने वाला नहीं है और वो कभी भी ऑपरेशन फोकस शुरू कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इसराइल ऑपरेशन फोकस को दोबारा दोहराने की कोशिश करे? मुझे तो लग रहा है इसराइल के आखिरी दिन आ गए हैं, जैसे तेवर है। बिल्कुल। अच्छा, इस वीडियो में उन्होंने 2 न्यूज़ बताई। अच्छा, हिजबुल्ला ये भी कंट्री है? ओ नहीं, ये बंदा था जिसको मारा अभी यार। क्या हो गया, क्या तुम कर रहे हो? बाकी ये है कि अभी ईरान के ऊपर डायरेक्ट तो कभी भी इसराइल जो है वो हमला नहीं कर सकता। नहीं कर सकता इसराइल। हाँ, और बाकी ईरान का डायरेक्ट इसराइल पर हमला नहीं, वो अब वार किसी भी चीज का सलूशन नहीं है। अगर वार होती है तो अब देखो ना,
कि अगर हम फलस्तीन में देखें, इधर देखें तो कितने मासूम बच्चे बेचारे जो हैं वो मारे जा रहे हैं, बड़े घरों से लोग बेदखल, ये वो औरतें, तो इतना वायलेंस, मतलब कि कैसे यार दुनिया एक्सेप्ट कर सकती है। फलस्तीन पे दिखा रहे थे, फलस्तीन का हाल क्या करती है। तो पहली बात तो ये है कि वार वाकई किसी चीज का, आप गरूर और आपका तकबूर जो है ना, बिल्कुल अगर आप तकबूर में हो, किसी गुरूर में हो, तो भाई गुरूर का सर नीचा होता है ऐसे ही। और इसराइल अगर इस तरीके के तेवर हैं इसराइल के, तो इसराइल को ले डूबेंगे क्यों? अभी यूनिटी नहीं है देशों की। हाँ। आप देख लो अभी यूनिटी नहीं है। अरब देश जो है वो मिडल ईस्ट के जितने भी देश है उनकी आपस में नहीं बन रही। आपस में अगर उनकी बन गई ठीक है, तो फिर इसराइल का क्या होगा? सोचने वाली बात ये है ना। लेकिन ये है कि अभी तो कोई हर कोई अपने आप में लगा हुआ है, कोई भी मतलब इधर इस तरफ को हो नहीं रहा। बाकी मुझे अगर इसराइल इस तरीके की कार्रवाई करता है फिर आगे से रिस्पॉन्ड आएगा, तो बेचारा नुकसान किसका होगा? इन पॉलिटिशियंस का तो कुछ नहीं जाएगा, मरेंगे तो बेचारे छोटे शहरी जो हैं, सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, वो हैं, औरतें, बड़े। तो इसलिए मैंने कभी भी वार को जो है ना प्रमोट नहीं किया कि यार हाँ होनी चाहिए वार, ये बिल्कुल। बाकी ये है कि पीसफुली सारा मामला होना चाहिए जो भी मामला आते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दुनिया का अंत जो है ना वो वार से होना है। मुझे भी लग रहा है, इस दुनिया का अंत जो है ना वो वार से ही होगा। और जो वार अब छिड़ेगी ना, अगर वार जैसे पहले थी, वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूँ, अगर उस तरह की कोई शुरू हो जाती है सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, हर कोई तो अपना नाम है, सब खत्म हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। जो बड़े देश हैं वो छोटे देशों को लड़ाने में लगे हुए हैं, वो अपने फायदे के लिए लड़वाते हैं। अमेरिका है तो अमेरिका करता है सारा, अपना असला जो है वो सेल करता है प्रोडक्ट, उसके लिए करता है। चले जी, चाइना की क्या आपने, क्या इंडिया चाइना को किस लिए बैन कर रहे हैं? इंडिया चाइनीज जो सर्विलांस है, मतलब जो कैमराज होते हैं या इस तरह की जो चीजें होती है ना, डिजिटलाइज चीजें जो जितनी भी हैं, उनको बैन कर रहा है। क्योंकि उनमें उनका ये ख्याल है कि चाइना जो है, जो इंडिया को एक्सपोर्ट्स जाती हैं चाइनीज कंपनीज की तरफ से, उनमें कुछ वो विस्फोटिक, मतलब इस तरह के कुछ बॉम्ब्स लगा सकता है कुछ इस तरीके के, कि जिनको बाद में कमांड देकर जो है, और इस तरीके का पहला भी हमला एक हो चुका है, तो इस जो कमांड देकर आप उनको ब्लास्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज इस वजह से कर रहा है मेरे ख्याल में, ये भारी नुकसान है चाइना को। ऐसा कोई होगा नहीं मेरे ख्याल में, जो भी चीज आती होगी उसको पहले वो स्कैन या कुछ किया जाता होगा, चेकआउट किया जाता होगा, कि ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप, लेकिन फिर भी वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, बेहतर है। हर बंदे को, हर कंट्री को करना चाहिए ना, डिफेंस के लिए कर रहे हैं तो बेहतर है। और वैसे भी चाइना को, अगर चाइना को क्रॉस करना है, तो जैसे कि उनके सोशल मीडिया, चाइनीज एप्स, चाइनीज गेम्स के ऊपर आपने देखा कि पबजी को बैन कर दिया गया, उसके अलावा टिकटॉक, ये वो, तो इंडिया बड़े स्टेप उठाता है, उठाता है उन चीजों से, वो घबराता नहीं है, उन्हें जो स्टेप लेना है वो लेता है और फिर परमानेंटली लेता है। हमारे इधर क्या होता है कि कुछ एप्स अगर वो मसला है तो गवर्नमेंट ने बंद की है, तो लोग क्या ही, लोग प्रॉक्सी लगाना शुरू कर देते हैं। टिकटॉक भी तो बंद की थी इन्होंने, फिर यहाँ कुछ अरसे के लिए बंद होती है, फिर गवर्नमेंट पैसा लेती है और वही दोबारा ओपन हो जाती है। लेकिन उधर उधर वो चीज नहीं है, उधर वो लोग अगर बैन करते हैं तो फिर परमानेंटली बैन है। टिकटॉक मुझे लगता है बहुत अच्छे काफी टाइम उनका था, एक फैजू था इंडिया का, रियाज था, जनरल रियाज थी, बड़े बड़े उनके, मतलब उनकी फॉलोइंग देखो, उन्होंने एक दफा बैन की है ना, खत्म। कोई टिकटॉक चलाता भी नहीं है भाई, कोई प्रॉक्सी कुछ नहीं। लेकिन अगर आप ये देख लो कि हमारे अगर इधर टिकटॉक जो है वो लाइव का ऑप्शन नहीं था बैन, तो लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर दुबई जाकर फेक अकाउंट बनाकर प्रॉक्सियां लगाकर शुरू कर दिया, कि मतलब हमारी जो पब्लिक है ना, उनमें ये शोर नहीं है कि ये हमारे कंट्री के अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। अगर गवर्नमेंट ने बैन किया है तो उसको बैन रहने दो, उसको ना यूज करो इन चीजों को, लेकिन हमारे वो लगाने भाई जुगाड़ पूरा करना है। चलें बाकी आते हैं जी वापस नेक्स्ट वीडियो में।